स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। ठोकर ना खाएं, जैसा कि लुका की पुस्तक अध्याय 17 उसकी 1 आयत में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस धरती के ऊपर महान और आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप इस धरती के ऊपर महान बने, और इसीलिए वो आपके खिलाफ अपने हथियारों को इस्तेमाल करता है। ठोकर खिलाना भी शैतान का एक ऐसा हथियार है जिसको वो लोगों के द्वारा आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ठोकर खाने का मतलब ये है कि जैसे आपने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा किया और बदले में उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, उस व्यक्ति के कारण आपको ठोकर लगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से नाराज हैं, तो आप इस धरती पर महान नहीं बन सकते, क्योंकि नाराज रहने वाला व्यक्ति कभी भी महान और आशीषित नहीं हो सकता, और कभी भी उसके ऊपर परमेश्वर की आग नहीं ठहर सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि ठोकरों का लगना आवश्यक है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप उन ठोकरों की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठोकर खा जाते हैं। अगर चर्च में किसी सेवादार ने उनको कुछ बोल दिया तो वो चर्च आना छोड़ देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उस सेवादार के द्वारा शैतान ने उनको ठोकर खिलाई है। जिस तरह पतरस के अंदर शैतान ने काम किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु ऐसा कभी ना हो कि तुझे क्रूस पर चढ़ाया जाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। मेरे प्रियो, शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए और ठोकर खिलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के 70 चेलों के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि उन 70 चेलों ने भी ठोकर खाई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम्हें मेरा मांस खाना पड़ेगा और मेरा लहू पीना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि ये सुनकर वो 70 चेले वापिस चले गए। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य का मांस कोई कैसे खा सकता है। प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को मनाने के लिए उनके पीछे नहीं गए। अगर किसी ने आपको कुछ कह भी दिया और आप उससे नाराज हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप आत्मा में बच्चे हो, और जब तक आप आत्मा में मजबूत नहीं होते, तब तक परमेश्वर की आग आपके ऊपर नहीं आ सकती। आज आप भी ठोकर खाए हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार ने, आपके दोस्तों ने आपको ठोकर खिलाई हो, लेकिन आप उन ठोकर खिलाने वालों को माफ करके परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें, ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें और परमेश्वर आपको महान बनाकर आशीषित कर सकें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्व शक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने और सुनने वाले लोग कभी भी ठोकर ना खाएं, और परमेश्वर ये आपकी आग से भरते जाएं, ताकि परमेश्वर आप इनको महान और आशीषित बना सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।